ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय। मेरा नाम गौरव देवगन है, मैं एक एक्टर हूँ और एक्टिंग करता हूँ। पहले थिएटर में स्टेज पर हो, कैमरा के सामने हो, या फिर रेडियो में माइक के पीछे हो। जी हाँ, रेडियो में माइक के पीछे। जी हाँ, रेडियो नाटक। मेरे रेडियो नाटक की शुरुआत हुई थी 2015 में ऑल इंडिया रेडियो से। मुझे आज भी याद है, ऑडिशन का दिन था और मैं स्टूडियो में जब पहुंचा अकेला बैठा हुआ था और एक काला पर्दा सामने लगा हुआ था और सिर्फ एक आवाज आ रही थी जो डायरेक्ट कर रही थी कि मुझे क्या करना है। एक पेपर था जिसके ऊपर कुछ शब्द लिखे हुए थे जिनको प्रोनाउंस करना था और उसके बाद वो ऑडिशन खत्म हो जाता है। मेरे पास एक लेटर आता है बाद में, कुछ महीने बाद, कि आपका सिलेक्शन हो गया ऑल इंडिया रेडियो में ड्रामा सेक्शन में और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे। ठीक है। One fine day, I get a call for the recording of the radio play as well. I reach All India Radio. जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि सारे के सारे वरिष्ठ कलाकार बैठे हैं और मैं एक नया कलाकार। मुझे लगा कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन नहीं जनाब। वहां जाके मुझे तो टेंशन होने लग गई कि मैं किस तरीके से रेडियो प्ले रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि आज तक मैंने कभी रेडियो प्ले किया ही नहीं था। थिएटर करते हुए मुझे 3 साल हो गए थे, लेकिन रेडियो प्ले मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर, वहां पर किसी ने इस चीज को नहीं भापा कि मैं टेंशन में हूं या मैं एंजाइटी में हूं, लेकिन कहते ना, एक निर्देशक होता है वो सब कुछ देख लेता है। उसी तरीके से जब मैं रिकॉर्डिंग करने लगा था, माइक के सामने पहुंचा और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, तो काजल सूरी मैम जो प्लेस डायरेक्ट कर रही थी उसको, उन्होंने भाप लिया कि हाँ, मैं थोड़ी टेंशन में हूं, किसी परेशानी में हूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई चिंता है? मैंने कहा मैम थोड़ा सा। वो समझ गई, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और आप बहुत अच्छा करेंगे। वो दिन है और आज का दिन है, मैं आंख बंद करके काजल सूरी मैम पर भरोसा करता हूं, कोई भी रेडियो प्ले हो। और रेडियो नाटक में जितना मैंने काजल सूरी मैम के डायरेक्शन में सीखा है, उसकी वजह से आज मैं अपनी आवाज का इस्तेमाल कर सकता हूं, उस मॉड्यूलेशन का, स्वर उच्चारण का, किस तरह से मैं अपने स्वर से, अपनी आवाज से, अपनी वाणी से एक उस इंसान के दिमाग में जो मुझसे कोसों दूर बैठा हुआ है एक पिक्चर, एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकता हूं, जिसकी वजह से वो उस तस्वीर को देख सकता है, उस कहानी को महसूस कर सकता है जो मैं उससे बता रहा हूं। और उसका पूरा श्रेय जाता है काजल सूरी मैम को। और रेडियो नाटक अपने आप में एक अलग दुनिया है, बहुत मजा आता है रेडियो नाटक करने में। आप सबके साथ जुड़ के चल रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं कि आपका साथी कलाकार क्या कह रहा है, क्योंकि उसके बाद आपको अपनी लाइन बोलनी है, आपको रिएक्शन देना है और उस तरह से देना है कि उस रेडियो में आवाज उसको सामने वाला जब सुनेगा तब वो महसूस कर सके। जो इमोशंस लिखे हुए हैं पेपर पे वही आप उसको दे पाए, वही आप उसको कन्वे कर पाए। रेडियो नाटक बहुत कुछ सिखाता है। कई बार लोग टीवी नहीं देखना पसंद करते, सीरियल्स नहीं देखना पसंद करते, मूवी नहीं जाना पसंद करते, लेकिन रेडियो, रेडियो वो कभी भी सुनना पसंद कर सकते हैं। रात का वक्त हो, सुबह का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, रेडियो कभी भी लगाएं, वही ताजगी, वही नयापन, वही जोश रेडियो नाटकों में होता है, जो आज तक कभी थमा नहीं, जो कभी थमेगा नहीं। रेडियो नाटक आपको सिखाता है कैसे यू हैव टू बी इन द डिसिप्लिन, कैसे यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से आप थिएटर में कैमरे के सामने दोनों जगह वेल परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि रेडियो में जब आपने बिना अपने एक्शंस के साथ परफॉर्मेंस करना सीख लिया, तो आप ये सीख जाते हैं कि एक्शंस के साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस कर सकते हैं। ये रेडियो नाटक ही सिखाता है। इनफैक्ट 2019 में मुझे एक और सुनहरा मौका मिला रूबरू थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ने का, जिसकी वजह से मैं आज आपसे मुखातिब हो पा रहा हूं। एंड आई एम अगेन थैंकफुल टू काजल सूरी मैम, जिन्होंने मुझे मौका दिया रूबरू थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ने का। और उसकी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी,
मैं अपना रेडियो प्ले रिकॉर्ड करके निकल ही रहा था कि काजल सूरी मैम ने कहा कि नाटक है और मैं चाहती हूँ तो उसमें काम करूँ। मैंने कहा ठीक है मैम, जब आप बोलें, जैसा आप बोलें मैं वहाँ पर मौजूद हो जाऊँगा। और तब से लेकर आज तक अनगिनत नाटक मैं कर चुका हूँ काजल सूरी मैम के साथ इतने छोटे से वक्फे में। 2019 अक्टूबर से लेकर 2020 मार्च लॉकडाउन से पहले हमने कितने प्लेस किए हैं, अलग अलग किरदार मुझे करने को मिले, भले वो जम्मू हो, जयपुर हो, अमृतसर हो, कितनी जगह फेस्टिवल्स में हमारा प्ले गया है, उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिली है, ऑडियंस से तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ है। और सब सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत की वजह से हुआ है, काजल सूरी मैम। थैंक यू सो मच कि रूबरू थिएटर में आपने मुझे एक हिस्सा बनाया। और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि ये हिस्सा, ये जर्नी ऐसे ही आगे चलती रहे, हम आगे और काम करते रहें और रेडियो की नाटक की दुनिया में जो मुझे आपसे सीखने को मिला है, आई एम थैंकफुल टू यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। क्योंकि रेडियो नाटक ने मुझे एक सिर्फ अच्छा कलाकार नहीं बनाया, एक अच्छा इंसान भी बनाया। और आज जो हम बात कर रहे हैं उसकी वजह रेडियो नाटक ही है। एक रेडियो नाटक एक एक्टर को उस लेवल पे पहुंचा देता है जहां पे वो सीख जाता है कि किस तरह से मैं अपनी आवाज का उपयोग कर सकता हूं सामने एक पिक्चर क्रिएट करने के लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा किसी को भी अगर रेडियो नाटक के बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेनी है, तो मैं कहूँगा अपना सफर शुरू करना हो तो ऑल इंडिया रेडियो से शुरू कीजिए। आपको इस तरीके से ऑथेंटिक नाटक, ऑथेंटिक डायरेक्शन और ऑथेंटिक गाइडेंस मिलेगी जिससे आप आगे करियर में प्रोग्रेस कर पाएंगे। बिकॉज रेडियो नाटक अपने आप में शायद दिखने में छोटी सी दुनिया हो, एक कमरे के अंदर हो, लेकिन वो अपने आप में एक अथाह संसार है जिसकी वजह से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी में एज एन एक्टर बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं, बहुत ग्रोथ ला सकते हैं। और मैं अगेन आई वुड लाइक टू बी थैंकफुल टू रूबरू थिएटर ग्रुप जिसकी वजह से आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ एंड आई एम एबल टू टेल यू About the world of radio और रेडियो नाटक के बारे में। तो सुनते रहिए, देखते रहिए रूबरू थिएटर के प्लेस, ऑल इंडिया रेडियो के नाटक और सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ इन दिस लॉकडाउन। नमस्कार।